माउस से होगा अब नहीं, यहाँ पे हो गया। अब इसको दबाओगे ना, मीटिंग चल रही है। आपने जाना जाते उसमें बाकी चारों को नहीं नहीं जा रही है। कैसे दबा दो
थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम. मैम यू आर नॉट ऑडिबल. सर अभी आ रही है? आ रही है मैडम आवाज. ओके ओके. आई लाइक टू रिक्वेस्ट ठीक है चलो फिर से स्टार्ट करो. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. I like to welcome Mr. Bajaj sir, Director SCRT, and Mrs. Suman Sharma ji, Head ET Wing Department, all DIET principals and other DIET faculty members. In this meeting, we are going to discuss about the plan of secondary mentoring, which we will do during the period of January 22 to March 22. Now, I would like to request Mr. Sunil Bajaj sir to kindly open the discussion and discuss the plan of action in this meeting. Thank you. Focus karna pehle. Sabhi ko namaskar. Aaj ki is meeting mein aap sabhi ka swagat hai. Aaj sabse pehle to नेशनल मैथमेटिक्स डे पे सभी को शुभकामनाएं. और मैं आशा करता हूं कि हमने कल जो एक पत्र भेजा है वो डाइट में भी सभी को रिसीव हुआ होगा. और नेशनल मैथमेटिक्स डे में हमने एक नया इनिशिएटिव किया है एस्टिमेशन स्किल डेवलप करने के लिए. बच्चों को एस्टिमेशन की एक्टिविटी कराई जाए. 75 days 75 एक्टिविटी, एवरी डे वन एक्टिविटी, मे बी एट होम और इन स्कूल. So that you must have gone through, or if you have not seen, then you can see. तो ये एक नया initiative हमने शुरू किया है. आज mathematics day में सबको शुभकामनाएं. आज की mentoring का जो उद्देश्य है, जो meeting का उद्देश्य है, वो पिछले हम काफी समय से देख रहे हैं. कोरोना की वजह से पिछले 1.5 वर्ष से हम ठीक हो मैडम. हाँ जी 1.5 वर्ष से स्कूलों में मेंटरिंग नहीं हो पाई है और स्कूल भी काफी समय तक बंद रहे हैं. अभी सितंबर से हमारे स्कूल खुले हैं तो बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं. अलग अलग फील्ड से डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के इश्यूज सामने आ रहे हैं. स्कूल्स के इश्यूज आ रहे हैं, टीचर्स के इश्यूज आ रहे हैं. तो उन सभी पे चर्चा करने के लिए, उन सभी का फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मेंटरिंग का प्रोसेस जैसे हम पहले करते रहे थे, आप लोग अभी भी कर रहे हैं, एलिमेंट्री लेवल तक भी चल रहा है, तो सेकेंडरी लेवल पे हम अभी इसको कंसिडर नहीं कर पाए. लेकिन अब हम प्लान कर रहे हैं कि 10th और 12th क्लास के लिए एटलीस्ट ये मेंटरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है. कोरोना के फर्स्ट और सेकंड वेव से हम निकल गए, थर्ड वेव का अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है. अभी स्कूल खुले हैं, बीच में फिर बंद हुए, 4 डिस्ट्रिक्ट में बंद हो गए थे पॉल्यूशन की वजह से. अभी फिर स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं अभी, और ये 1 हफ्ता या 4-5 दिन और हैं, उसके बाद फिर विंटर ब्रेक हो सकता है. तो दो फेसेस में हुआ हमारा कि स्कूल बंद रहे और बच्चों ने ऑनलाइन घर पर पढ़ाई की. जो लर्निंग लॉस हुआ है उस पर भी फीडबैक की आवश्यकता थी और टीचर्स को और बच्चों को सपोर्ट की आवश्यकता थी.
स्लाइड ज्यादा भी कर दी स्लाइड नेक्स्ट फिफ्थ स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड यस ओके नाउ व्हाट इज द मेन रोल. अभी जैसे सेट टू हुआ था हमारा, उसके बाद अब सेट थ्री चल रहा है. तो मेंटरिंग से पहले हम अगर ये देखें कि हम किन स्कूलों का प्रेफरेंस करें कि मेंटरिंग किन स्कूलों की होनी चाहिए, तो एक क्राइटेरिया हमने देखा कि सेट साइकिल टू में 40% से लेस वाले 160 स्कूल्स थे. तो एक क्राइटेरिया हमने बनाया कि सेट साइकिल टू में जिन स्कूल्स का स्कोर लेस रहा है वो हमने 40% वाले आइडेंटिफाई किए. एक तो ये क्राइटेरिया हो सकता है. आपका मेन रोल जो मैं अभी पहले भी बात कर रहा हूँ कि कोरोना काल में जो लर्निंग लॉस हुआ है उसमें और जो बच्चों के और टीचर्स के सामने जो समस्याएं हैं, तो आपको एक तो सबसे पहले उनको मोटिवेट करना है कि दिस इज ये जो प्रॉब्लम आई है इसको हमने सबने मिलकर इसको सॉल्व करना है, इसको मिनिमाइज करना है, जो लॉस हुआ उसको मिनिमाइज करना है. तो मोटिवेट करे जाए. अब क्योंकि हम सभी आप जब जाएंगे स्कूल्स में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासेस हैं वो बोर्ड क्लासेस हैं 10th और 12th. तो हमें फोकस जो करना है वो 10th और 12th क्लास का बोर्ड प्रिपरेशन. तो इसके लिए हम उनको क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन से उनको सपोर्ट मटेरियल हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे. और कैसे ऑनलाइन से ऑफलाइन जब हमने चेंज किया है, तो क्योंकि 1.5 साल तक हम ज़्यादा स्कूलों में बातचीत नहीं कर पाए, ऑनलाइन में हमें पता है कितना काम हम कर पाए थे. लेकिन अब हमें इसके लिए भी टीचर्स को तैयार करना है कि ऑफलाइन मोड में किस तरह से डिस्कस करें. नेक्स्ट. तो आपका बहुत ही क्रिटिकल रोल है जिसपे हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम मीटिंग कर रही है कि कैसे मेंटरिंग प्रोसेस हम स्टार्ट कर सकते हैं. उसमें मैंने जैसे 3 पॉइंट्स अभी आपके सामने डिस्कस किए. तो अब इसमें हमें फोकस किस पे करना है, क्या खाली हमें विजिट कर लेनी है कि SCERT ने या डिपार्टमेंट ने एक प्लान बना के दे दिया कि हम कवर कर लें भाई, हमें कहा गया कि इतने स्कूल विजिट करने, आप स्कूल विजिट करें और एक परफॉर्मा होगा वो भर के दे दें, या हमें वाकई कुछ चेंज लाना है किसी बच्चे के अंदर. अगर हमारे जाने से उनके रिजल्ट में, किसी टीचर के अंदर मोटिवेट करने से उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर चेंज आता है तो वो जो मेंटरिंग है हम कहेंगे कि वो क्वालिटी मेंटर. तो वो कैसे चेंज आएगा उस पर आप सभी हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे, आपसे हम अभी और बातचीत करेंगे. लेकिन जिन स्कूल्स में भी आप विजिट करेंगे तो वाकई उसमें इफेक्टिव मेंटरिंग, यानी कि आप केवल एक विजिट से बात नहीं बनेगी, आप दूसरी विजिट भी करेंगे, लेकिन आपके पास ऑब्जर्वेशन के बाद उसका इम्प्रूव करने के लिए जो जो स्कोप आपको मिलता है उसमें आप क्वालिटी इनपुट लाने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स होंगे वो आप लेंगे. अब देखिए हमने लिखा है कि आपको 4 विजिट आप कर लें, 4 कोई भी स्कूल. आप जैसे हमने बताया, एक क्राइटेरिया बताया कि हमने NAS के जो 160 स्कूल हैं उनमें से, इसके अलावा सॉरी सेट के सेट साइकिल टू के जो स्कूल्स हैं 160 या NAS का भी रिजल्ट, उसके बेस पे भी हम कुछ सब्जेक्ट एरियाज बता सकते हैं कि जिन सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही. तो अब जैसे हम जनवरी के 3rd वीक से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए अब 3rd वीक में आपने जो 3rd वीक में आपने 2 विजिट कर ली, 2 स्कूल आपने विजिट कर ली, ये एक टेंटेटिव है, कोई ऐसा नहीं कि आपने 2 ही विजिट करनी, आप बाद में भी कर सकते हैं. हमने आपको टोटल 4 स्कूल विजिट करने के लिए कहा है पूरे 2.5 महीने में, यानी कि 15 जनवरी से लेकर जब तक छुट्टियां हैं तब से लेकर और मार्च में एग्जाम शुरू होने तक. और इसमें कम से कम 2, एटलीस्ट वी आर राइटिंग एटलीस्ट, कम से कम 2 विजिट जरूर हों एक स्कूल में, ताकि एक बार आपकी ऑब्जर्वेशन है, अगर आप उसमें
पहले से कुछ बेटर लाने के लिए आपने कुछ सुझाव दिए हैं, तो सेकंड विजिट में आप कम से कम उसको जो आपने फीडबैक दिया था उस पर काम हुआ नहीं हुआ, चेंज हुआ है नहीं हुआ है, वो आप ऑब्जर्व करके फाइनली अपना फीडबैक दे सकें। तो फोकस, जैसे एग्जाम है तो 10th और 12th पे फोकस करें, ताकि उससे स्कूल की जो इम्पोर्टेंस है, स्कूल का जो रिजल्ट है वो, क्योंकि सारे स्टेट में सारे डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलर होता है, तो इन 10th और 12th पे हमें फोकस किया जाए। अब विजिट शेड्यूल में दो ही चीजें हैं, एक तो बिफोर विजिट आपको क्या करना है, जैसे आपने खुद भी प्लान करना है तो डाइट प्रिंसिपल के साथ, सबसे पहले तो वो स्कूल, जैसे हमने क्राइटेरिया बता दिया कि सैड साइकिल 2 नैस या कोई और क्राइटेरिया अगर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी स्कूल्स के साथ टच में होंगे, तो आइडेंटिफाई करें, पहले तो स्कूल्स आइडेंटिफाई करें, वो स्कूल फाइनलाइज करें, फिर उसमें किस सब्जेक्ट एरियाज में, जैसे नैस के रिजल्ट से भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि किन सब्जेक्ट एरिया में ज़्यादा वीकनेस है, तो ये दो चीज़ें, और दूसरा आपके सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में डील कर रहे हैं, तो वो भी आपका सब्जेक्ट एरिया हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं, आप देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आपको अपने सब्जेक्ट का, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक ही सब्जेक्ट के ज़्यादा हैं तो आप दूसरी क्लासेस को ऑब्जर्व करके आप वो फीडबैक कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भी दे सकते हैं। ड्यूरिंग द अपने ओके, तो द रोल क्या है, देखिए मीटिंग जो है आपने डाइट प्रिंसिपल के साथ मिलकर करनी है, हो सकता है कुछ डाइट प्रिंसिपल्स ने भी ज्वाइन किया हो आज, तो आई वेलकम ऑल डाइट प्रिंसिपल्स आल्सो इफ दे हैव जॉइंड। तो लिस्ट ऑफ स्कूल्स दोनों मिलकर तैयार करेंगे कि किन स्कूल में हमें फोकस करना है, प्रिंसिपल विल एलोकेट इन राइटिंग एंड शेयर द स्कूल लिस्ट टू द लेक्चरर, एंड इवन दे कैन सेंड द कॉपी टू SCERT सो दैट SCERT कैन आल्सो नो दैट इन विच डाइट and which schools they are looking. और check principals के जिम्मे ये भी रहेगा कि first visit कम से कम सबकी ensure हो जाए कि सबने first visit कर लिया, और उसके बाद second visit के लिए फिर plan करें, जब first visit complete हो जाएगी तो second visit के लिए वो plan बना ले accordingly, क्योंकि first visit के बाद एक meeting कर ले जिसमें हर स्कूल के बारे में, जिन स्कूल्स में लेक्चरर्स ने विजिट किया है तो उनका क्या फीडबैक रहा, उन स्कूल में किस तरह के इंटरवेंशन हैं, और वो जिस लेक्चरर्स ने विजिट किया है अगर उसने अपनी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड की है दैट्स ओके, अगर उसको लगता है कि कुछ और सपोर्ट की आवश्यकता है तो वो सपोर्ट डाइट प्रिंसिपल के माध्यम से जिस कंसर्न के पास भेजनी है वहां भेजी जा सकती है। डाइट लेक्चरर को जैसे सेम जो अभी मैंने बात की कि स्कूल लेवल परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद जब आपने विजिट कर लिया तो आपको ये भी, जैसे आपने मान लो चारों स्कूल विजिट कर लिए, एक एक विजिट कर ली, तो सेकंड विजिट जो है आपको इमीडिएट किस में करनी है ये आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। डाइट लेक्चरर समीक्षा फॉर्म जो मेंटरिंग का डैशबोर्ड पे हम उसका रिव्यू कर सकते हैं, जब हमने फॉर्म भरना है तो आप विजिट करेंगे तो समीक्षा फॉर्म भी आप भर के आएंगे ऑन द स्पॉट, तो उसको भी रिव्यू करने के लिए डिस्कस कर सकते हैं। कम से कम नहीं ये हो गया, यस, जैसे अभी मैंने पहले भी बात की है, कम से कम दो सब्जेक्ट आप जरूर क्लासेस ऑब्जर्व करेंगे, और एक तो क्लास ऑब्जर्व करेंगे आपका एक टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा कि आप टीचर्स के साथ अलग से इंटरेक्ट करें और बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में, अपनी उनकी जो इंटरवेंशंस है उनके बारे में डिस्कस करें,
इंडिपेंडेंटली आप स्कूल टीचर्स के ग्रुप से अलग बात कर सकते हैं, ग्रुप नहीं हो तो दो एक या दो टीचर है उनसे इंडिविजुअली बात करें। तीसरा, स्कूल हेड को भी अगर कंसर्न कोई इश्यूज हैं तो स्कूल हेड से भी आप ना केवल उनसे लें बल्कि अगर आपको जरूरत है तो आप उनको शेयर भी करें अगर कोई पॉइंट आपको लगता है। और बच्चों से भी अगर संभव हो तो बच्चों से भी आप बातचीत करें कि बच्चों को किस तरह के इश्यूज हैं। जैसे कोरोना काल में अलग अलग तरह के इश्यूज बच्चों के सामने आ सकते हैं, लर्निंग लॉस है, हेल्थ फिजिकली भी बच्चे, मेंटली भी बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो आप बच्चों से भी अलग से डिस्कस कर सकते हैं। टीचर्स भी आपको फीडबैक दे सकते हैं कि बच्चों के अंदर कोई विशेष परिवर्तन आया है तो वो नोट कर सकते। और जैसे अगर ये सेकेंड विजिट है तो आप फॉलो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट, विजिट वन का जैसे मैंने अभी डिस्कस कर दिया है कि आपने ऑब्जर्व करना है और फीडबैक लेना है, और नेक्स्ट इस फीडबैक को स्कूल हेड के साथ अपने डायरेक्ट प्रिंसिपल के साथ डिस्कस करना है और उसी के अकॉर्डिंग सेकंड विजिट का प्लान करना है। नाउ ये जो कुछ एंट्रीज आपको नोट करनी होंगी, जो क्लास ऑब्जर्वेशन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, आप अगर कुछ और समझते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको लगता है। लेकिन जैसे कितने स्टूडेंट्स क्लास में उस दिन प्रेजेंट रहे और नॉर्मली क्या अटेंडेंस रहती है, क्या एब्सेंटिज्म का जो रजिस्टर है उसमें कुछ अलग से कोई रिकॉर्ड है, तो वो आपको अगर टीचर शेयर करते हैं तो आप वो नोट कर। दूसरा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे क्या कोई अलग से टीचर ने अपना कोई TLM तैयार किया है या कोई और सोर्स से तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जैसे दीक्षा पोर्टल पर वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग डिफरेंट और सोर्सेज से, इंटरनेट के माध्यम से भी क्या और कौन से तरीके हैं जो रिसोर्सेज टीचर्स ने यूज किए उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, टॉय बेस्ड पेडागोजी, आप सभी देख रहे हैं कि निष्ठा के माध्यम से सभी ये टीचर ट्रेनिंग सेकेंडरी 2.0 चल रही है, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टॉय बेस्ड पेडागोजी, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। क्या आपने क्या किसी टीचर ने आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग या टॉय बेस्ड पेडागोजी पर कोई डिफरेंट इंटरवेंशन की है या कोई नया उन्होंने इंटरवेंशन किया है, तो वो जरूर आप देख भी सकते हैं और उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तो अभी फेस टू फेस ट्रेनिंग चल रही है, ऑनलाइन भी उन्होंने कोर्स किया है, तो वो अगर किसी टीचर को क्लैरिटी नहीं है तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं और उसके अलावा उनके फीडबैक भी ले सकते हैं अगर उन्होंने कोई अच्छा काम इस पे पहले से ही किया है। प्रैक्टिस मटेरियल फॉर बोर्ड, तो इसके बारे में प्रैक्टिस मटेरियल के लिए डाइट झज्जर और डाइट पंचकुला, इन्होंने लास्ट ईयर कुछ प्रैक्टिस मटेरियल शेयर किया गया क्या था, तो वो भी बाकी डाइट्स भी इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। डाइट झज्जर और डाइट पंचकुला ने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर शेयर किए थे या सैंपल क्वेश्चन पेपर शेयर किए, तो इसी तरह से बाकी डाइट्स भी इसको फॉलो कर सकती हैं, अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं या ऑलरेडी अवेलेबल पेपर शेयर कर सकते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए टीचर के माध्यम से प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे मैंने बात किया फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है वो 10th और 12th के टीचर से अलग से आप डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि गुड प्रैक्टिसेस को, जैसे मान लो आपने 4 स्कूल विजिट किए हैं, तो अगर कहीं आपको किसी स्कूल में बेहतर प्रैक्टिस
नजर आई है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से उनके साथ फोकस ग्रुप एक मीटिंग करके उनसे शेयर कर सकते हैं कि इस स्कूल में इस टीचर ने बच्चों के साथ ये बेहतर काम किया है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ये आप डे कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, तो एक फोकस डिस्कशन जरूर हो, एक ही सब्जेक्ट के 4-5 टीचर हों और वो बातचीत करें, उसमें गुड प्रैक्टिसेस शेयर करें। और कोई एक्शन रिसर्च अगर किसी ने की है, कोई इश्यूज है, उसको किस तरह से टैकल किया किसी स्कूल के टीचर ने, तो वो भी आप उसमें शेयर कर सकते हैं। सब्जेक्ट को कैसे डील किया वो तो शेयर करेंगे ही, लेकिन अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर इश्यू था और उसको कैसे उन्होंने सॉर्ट आउट किया है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आपका, मैं जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बीच में चैट बॉक्स में जाके कोई क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स हैं तो आप चैट बॉक्स में कर दें, ताकि बाद में हम एक साथ सबको बोलने का मौका ना मिल पाए, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में वो शेयर करते रहें। स्टूडेंट्स के साथ अगर बातचीत करनी है तो कम से कम 5 बच्चों से आप बात कर लें। उनमें 2 तरह के ले सकते हैं बच्चे, लो परफॉर्मिंग जैसे जो 40-70% तक हैं, और एक जो बिलो 40% है। इन दोनों तरह के बच्चों से आप बातचीत कर सकते हैं, और उनसे बातचीत करके आप उनके जो चैलेंजेस हैं, जो सब्जेक्ट वो कम से कम किस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा चैलेंज फील कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पे वो ज़्यादा चैलेंज फील कर रहे हैं, और इसके अलावा ना केवल सब्जेक्ट रिलेटेड बाकी कोई और इश्यूज हैं तो वो भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या बोर्ड प्रैक्टिस के लिए उनके पास अलग से सेपरेट टीचर की तरफ से कुछ प्रोविजन किया जा रहा है, या टीचर की तरफ से कोई और एडिशनल सपोर्ट उनको लगता है कि अगर टीचर हमें इस तरह से सपोर्ट करें तो हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आप उनसे ये बातचीत कर सकते हैं, बच्चों से भी बातचीत कर लें, हेड स्कूल हेड के साथ भी बातचीत करें, जहां आपको आवश्यकता है वहां शेयर करें। स्कूल हेड को कम से कम क्लास की सिचुएशन के बारे में, अगर स्कूल हेड ऑलरेडी अवेयर है दैट्स गुड, अगर नहीं अवेयर है तो आप उनको उन बच्चों के बारे में, क्योंकि आपने क्लास ऑब्जर्व किया है तो ऑब्जर्वेशन के बाद आपका जो फीडबैक है वो स्कूल हेड तक जरूर दें। अब फॉलो अप डिस्कशन के लिए जैसे मैंने बताया है पहले भी, लास्ट ये अगर आप सेकंड विजिट कर रहे हैं या उस सेकंड विजिट कर रहे हैं, तो प्रीवियस विजिट में आपने जो जो पॉइंट्स आपने उनको पॉइंट आउट किए हैं, तो उनका फीडबैक कि उन पर कितना काम हुआ, क्या उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंज आया, तो दैट टीचर को क्या लगता है कि जो आपने सुझाव दिए वो वाकई उसको यूजफुल रहे नहीं रहे, या उसने उसमें कुछ और अपना इनोवेशन किया, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे का, जैसे अभी हम देखेंगे कि सैड साइकिल 2 का हमने देखा कि इतने स्कूल 40% से लेस आया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमें कोई एक टारगेट सेट करना होगा कि भी अब हमारा रिजल्ट इस साल इतना रहने की उम्मीद है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। एक टारगेट सेट हो कि इतने बच्चे हमारे फर्स्ट विजनर हैं, इतने बच्चे हमारे 80% से अबव हैं, तो ये नंबर कैसे रेज हो सकता है, और वो भी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्टूडेंट्स, बच्चों के अकॉर्डिंग आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे अगले साल एक टारगेट जो प्रिंसिपल सेट करेगा वो अचीव कर सके, तो वो टारगेट जरूर सेट कर। जैसे हमने पहले भी बताया कि समीक्षा ऐप में आपने जो भी विजिट किया है तो उसका एक फीडबैक आप समीक्षा ऐप के थ्रू कंप्लीट करेंगे। आप डैशबोर्ड पे जाके अपनी
मेंटरिंग डैशबोर्ड पे जाके आप अपना विजिट ट्रैक कर सकते हैं, और अगर आपको किसी तरह की सपोर्ट की आवश्यकता है तो वो आप अपने प्रिंसिपल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ये आपको सबको देखिए, क्योंकि इनिशिएटिव डिपार्टमेंट और एससीईआरटी ने मिलकर ये स्टार्ट किया है, तो ओवरऑल एससीईआरटी की टीम इसको रिव्यू करेगी, लेकिन इसको रिपोर्टिंग के लिए प्रिंसिपल्स और लेक्चरर्स आप लोग जैसे आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो हम जब आपका जनवरी मंथ होगा तो हम एक बार फिर आपसे बातचीत करेंगे, और आपकी लगभग जनवरी में अगर फर्स्ट विजिट हो जाती है तो उसमें किस तरह का फीडबैक, किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ से ऑलरेडी और एनसीईआरटी की तरफ से भी एक सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है कि कोरोना काल में बच्चों ने किस तरह से लर्निंग लॉस को फेस किया है, किस तरह से उनके डिफरेंट इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, कौन कौन से इश्यूज थे, एक नेशनल लेवल की स्टडी चल रही है। तो आप लोगों के माध्यम से हमें भी ऑब्जर्वेशन होगी, हमें भी फीडबैक मिलेगा कि हमारे सीनियर सेकेंडरी लेवल पर बच्चों ने किस तरह से आज क्या परफॉर्मेंस है और क्या लर्निंग लॉस हुआ है, या कुछ पॉइंट्स अगर हम पॉइंट आउट कर सकें और उसको कैसे कवर करेंगे, कैसे हम उसको चेंज लेके आएंगे, उसमें क्या परिवर्तन लेके आएंगे जो लॉस हुआ है, तो वो हम सभी नेशनल लेवल पे भी शेयर कर सकेंगे आपके माध्यम से। तो डाइट, सभी डाइट्स इस मेंटरिंग के माध्यम से, प्राइमरी फोकस तो हमें टीचर्स और बच्चों को सपोर्ट करना है कि वो अपने लर्निंग लेवल इम्प्रूव कर सके बच्चों का, और एक अच्छा रिजल्ट बच्चों का, एक अच्छा फ्यूचर बन सके, उसके लिए हमें उनको सपोर्ट करना है। लेकिन एडिशनली जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास ऑटोमेटिकली ये डाटा भी आ जाए कि हम हमारे बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम्स आई, कौन सी हमारी गुड प्रैक्टिसेस हैं, कैसे हमने हैंडल किया, किस तरह से हमने डिफरेंट इश्यूज को टैकल किया, वो सभी हैं। तो आप सभी के माध्यम से हम इसको ले लेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि मंथली हम आपसे बातचीत करेंगे, डाइट प्रिंसिपल वीकली जरूर अपने लेक्चरर्स के साथ डिस्कशन कर लें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि अगर जितने भी लेक्चरर्स हैं सबने अगर फर्स्ट विजिट किया है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर सेकंड विजिट किया है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिस्कस करें, और अकॉर्डिंगली जो फीडबैक मिल रहा है उस विजिट के बाद, उस फीडबैक पर जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है, यहाँ जहाँ पे भी हमें उसको रिपोर्ट करना है, हम उस फीडबैक को रिपोर्ट भी करें और कॉपी एससीईआरटी को भी भेजें। अगर जो मीटिंग हम करेंगे उसमें भी शेयर करेंगे, आप अगर उसको जहां आवश्यकता है आप हमें रिटर्न में भी हमें उसका लेटर के माध्यम से आप हमें शेयर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप्स जो है, अभी मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथ एटी विंग से रुचिका, डॉक्टर रुचिका हैं, वो आपको आगे बातचीत करेंगे। मेरे से अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दें, अगर किसी ने कुछ भेजा है एक बार देखिए, कोई क्वेश्चन आया तो हम उस पर बातचीत कर लेते हैं, अदरवाइज आगे रुचिका विल टेक ओवर। सर सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं अनिल बोल रहा हूँ डाइट मात्र शाम से। हाँ जी बोलिए अनिल जी। हाँ सर, मैं हमारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जो डाइट मात्र शाम कर रही है इनिशिएटिव पहले से ही, इसके बारे में अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैडम मिनी आहूजा के नेतृत्व में हम लोग पहले से ये, जब से स्कूल खुले हैं तब से हम स्कूल विजिट कर रहे हैं, और वो स्कूल हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर रखे हैं जिनका बोर्ड रिजल्ट है 10th और 12th का, जिन जिनका बोर्ड रिजल्ट नेगेटिव आया था वो हमने स्कूल सिलेक्ट कर रखे हैं, और लगभग 100 स्कूल हमारे सिलेक्टेड हैं, और हम उनमें तभी से ये विजिट जारी की हुई है, और जो सक्षम समीक्षा पे हम लोग अपलोड करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि सक्षम समीक्षा पे भी अपलोड करना है, वो भी सारा काम हम कर रहे हैं, और वैसा वैसा परफॉर्मा हमने डिजाइन किया हुआ है ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे, और इसके लिए जो हमारे रजत बम्मल जी इंचार्ज हैं वो पूरा इसका एनालिसिस करके रखते हैं कि हमने कब कब विजिट की, किस किस स्कूल की विजिट की, और वहां हमने क्या इनपुट दिया। इनपुट के दौरान हम ये भी डिस्कस करते हैं कि भाई मान लो किसी स्कूल में मैं गया हूँ, मैं मैथ्स का लेक्चरर हूँ,
तो अगर वहाँ इंग्लिश की कमी है तो हम डाइट में आगे इस बात की डिस्कशन भी करते हैं कि भाई वहाँ इंग्लिश के लिए कुछ प्रॉब्लम है, आपको वहां जाना चाहिए। तो हमारे जो इंग्लिश एक्सपर्ट है वो वहां जाते हैं। तो सर ये जैसे आपने बताया बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम लोग शुरू से ये कर रहे हैं सर, तो ये इवन जो सब्जेक्ट वाइज जो आपने बताया इसमें एक समस्या तो सर आती है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम बताते हैं कि टीचर्स को कि इस तरह से करना चाहिए या इस तरह से एक्टिविटी करानी चाहिए या आपको ये काम करवाना चाहिए, तो कहते हैं सर समय की कमी बताते हैं कि समय नहीं मिल पाता हमें इतना, क्योंकि समय जो सरकार ने कम किया हुआ ड्यूरेशन, तो इस वजह से हम नहीं करवा पाते। तो इस सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऊपर थोड़ा सा इस बार भी रिक्वेस्ट करें कि समय का स्कूल जो टाइमिंग है उसको बढ़ाया जाए थोड़ा सा, ताकि वो जो एक्टिविटी जो हम बोल के आते हैं जो करवा कहनी चाहिए इस तरह से करना चाहिए आपको, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए। और सर एक और मैं बताना चाहूंगा कि हमने डाइट मात्र से हमने 150 क्वेश्चन की एक रिपोजिटरी तैयार की हुई है हर विषय की, 6 विषय दसवीं के हैं और 13 विषय जो मुख्य विषय है वो 12वीं क्लास के हैं, तो हर विषय की 150 क्वेश्चन की रिपोजिटरी विद सॉल्यूशन डाइट मात्र से हमने तैयार की हुई है, और वो हम जब भी किसी स्कूल में जाते हैं ऐसे लो प्रोफाइल स्कूल में या अन्य किसी स्कूल में, तो हम उस स्कूल के अंदर उसको संभलवा के आते हैं कि भाई आप ये रिपोजिटरी लीजिए और अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे कई बार क्या होता है सर, कई बार बच्चे किसी काम की वजह से या उसे माइग्रेटरी फैमिली की वजह से स्कूल में नहीं आ पाते, तो उनके लिए हमने क्या हुआ है कि वो इन 150 क्वेश्चन को अगर याद कर लेंगे या पढ़ लेंगे या समझ लेंगे तो उनको कम से कम बोर्ड में पेपर के अंदर वो हेल्पफुल होंगे और वो उन क्वेश्चन की वजह से वो पास हो सकते हैं। तो ये हर स्कूल में सर एक रिपोजिटरी हमने तैयार की हुई है, तो जैसे मैं आपको बताया हर स्कूल में हम शेयर करके आते हैं, और उनके नहीं जो स्कूल अच्छे हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव था उनके साथ भी शेयर की हुई है। तो सर ये डाइट मात्र से का इनिशिएटिव है, इतना कुछ कहना चाह रहा था सर, धन्यवाद सर आपने मुझे समय दिया। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप इस तरह से पहले से चला रहे हैं और हो सकता है बाकी डाइट्स भी इस तरह का इनिशिएटिव ले रही हो, लेकिन अभी इस तरह का एक फीडबैक क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं था, आप इंडिपेंडेंटली अपने लेवल पे कर रहे थे, तो अब SCERT को और मान लीजिए कोई इश्यूज हैं तो उनको कैसे हैंडल किया, जैसे आपने आपके सामने कौन से इश्यूज आए, बच्चों के किस तरह के प्रॉब्लम्स आई, उनको आपने कैसे हैंडल किया, वो सभी अगर बाकी डाइट्स के मेंबर्स के साथ जो डाइट मेंबर्स चाहते हैं उनसे जानना चाहते हैं वो आपसे बातचीत करें और आपसे जाने कि आपने कैसे कैसे विजिट किया और क्या प्लान बनाया और किस तरह से आप एनालाइज करते हैं और सर, मैं कैसे इसको टेकअप करते हैं, ये बाकी डाइट फैकल्टी आपसे कॉन्टेक्ट कर देगी। जी सर मैं एक एग्जांपल पेश करना चाहूंगा सर, आपको इजाजत हो तो प्लीज 2 मिनट के लिए किसी और को मौका दीजिए पहले। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैं प्रवीण करनाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, हमारी सक्षम समीक्षा ऐप वर्क नहीं कर रही है और इसकी रिपोर्टिंग मैं टेक्निकल जो असिस्टेंट है उनसे भी कर चुका हूँ डी ऑफिस में, लेकिन अभी तक उसको कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया। ये सॉरी सर, आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार मैम। प्रवीण जी, और मैडम रेखा, हाँ, और मैडम रेखा चालिए हैं, उनकी भी वर्क नहीं कर रही मैम। ये जो आप समीक्षा आप बोल रहे हैं, ये आप इसमें कौन सा लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज कर रहे हैं लॉगिन करने के? जो हमें दिया हुआ है मैम। हाँ तो हम आपको ना एक रिवाइज्ड लॉगिन आईडी का लिस्ट भेज देंगे, हो सकता है कि वो पासवर्ड रीसेट हो गया हो आपका, तो उससे आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आपसे सेपरेटली भी डिस्कस कर लूंगी, आप मुझे बता देना अगर वो आपका रिजॉल्व नहीं होता तो वी कैन। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। चलिए और कोई क्वेश्चन है तो आप अभी और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई आया क्वेश्चन देखिए एक बार। एक फतेहबाद से क्वेश्चन है। नहीं, अभी है क्वेश्चन तो काफी सारे आए हुए हैं। हाँ तो एक ये है, कुलदीप जी का कंसर्न है कि उनके डाइट में 6 स्टाफ मेंबर्स हैं जिनमें से 2 डाइट में और 4 स्कूल्स में डेप्यूटी है, तो वो उनका एक चैलेंज। हाँ वो उसके लिए भी बातचीत चल रही है, जो स्कूल्स में है उनको कैसे डाइट्स में लिया जाए इसके बारे में भी डिपार्टमेंट को तो हमने लिखा हुआ है,
लेकिन जैसे ही क्लैरिटी आती है, एटलीस्ट अभी जो डाइट में है वो तो जरूर विजिट करें, जो स्कूल्स में है उनके लिए आपके पास गाइडलाइन रिटर्न में आ जाए। सर ये भी है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है सर आपसे कि जो फैकल्टी स्कूलों में है सर उनको जरूर बुलाया जाए, क्योंकि इससे इस प्रोग्राम के और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी सर। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सर आपसे एक बार दोबारा फिर से कि वो सरकार से आप बात करते रहिए ताकि वो वापस स्कूलों में और डाइट में आए फैकल्टी। ठीक है, ये हमारी बातचीत चल रही है और बाकी हम इस पे दोबारा से फिर आपको रिटर्न में भेज देंगे कि वो सारे अगर मान लो डाइट से स्कूल में गए हुए हैं तो वापस नहीं भी आते तो भी वो विजिट कर सके, इसके बारे में हम रिटर्न में आपको भेज देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बजाज सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पानीपत से बोल रहा था, हमारी भी एक समस्या। बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार। बाकी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप। इन्होंने लिखा है काइंडली क्लियर द रोल ऑफ डेप्यूटेड लेक्चरर्स एज सो मेनी प्रोग्राम्स लाइक एसएचपी निष्ठा रनिंग साइमल्टेनियसली। देखिए आज जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं वो मेंटरिंग वो 15 जनवरी से शुरू होना है, तो इसलिए तब तक हम इनके बारे में जो स्टाफ अवेलेबल है स्कूलों जो स्कूलों में गए हुए हैं तब तक हम कोई निर्णय लेके आपको रिटर्न में इंस्ट्रक्शंस भेज देंगे। और कोई ठीक है, चलिए रुचिका यू टेक ओवर, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता तो हम बाद में बातचीत करते हैं। थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर करो। हाँ जी, तो आने वाले एक वीक में जो अभी हम आप लोगों से जो उम्मीद करते हैं कि क्या काम हम लोग करेंगे मिलके, उसके लिए अभी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, तो सभी को वो ज्वाइन करना है, उसी में ही सेकेंडरी मेंटरिंग की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। उसके बाद हम लिस्ट शेयर करेंगे स्कूल्स की जिनमें विजिट करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं जिन स्कूल्स में ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ सैट एंड नेस कि जिन स्कूल्स में विजिट करना है। उसमें हम हमारी ये कि 4 स्कूल्स पर लेक्चरर जितने भी डाइट की फैकल्टी है पर फैकल्टी 4 स्कूल्स विजिट करने हैं हर फैकल्टी को। तो उसमें जो बजाज सर का सजेशन था कि 3 स्कूल ऐसे रहेंगे जो लो परफॉर्मिंग है और 1 स्कूल हम ऐसा ऐड करेंगे उस लिस्ट में जो मोर देन एवरेज परफॉर्मिंग है, मतलब टॉप परफॉर्मिंग में जो आता है वो स्कूल हम लेंगे। एक वो इसलिए लेंगे कि उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको हम ऑब्जर्व करें और सेम बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर हम जो लो परफॉर्मिंग हमारे स्कूल्स हैं उनमें हम फॉलो कर सकते हैं अगर, तो उनको कुछ एक मेंटर्स को भी एक आइडिया मिल जाएगा, मेंटर्स को भी मतलब हमें वहां से बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी देखनी है कि किस वजह से वो टॉप परफॉर्मिंग लिस्ट में आ रहे हैं और हमारे जो लो परफॉर्मिंग स्कूल है उनको हमें कैसे इम्प्रूव करना है वो सजेशन देने के लिए। और हम नेक्स्ट वीक में ही आपके साथ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड शेयर करेंगे डाइट प्रिंसिपल्स के साथ, डाइट प्रिंसिपल्स फिर आगे असाइन कर देंगे उन लॉगिन आईडी पासवर्ड्स को। पासवर्ड सबका सेम ही है और बाकी आप चेंज कर सकते हैं बाद में उस पासवर्ड को, ठीक है। और फिर एक आपके साथ समीक्षा ऐप जो है उसका ओवरव्यू शेयर किया जाएगा जिसमें कि आपको काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट या फिर एक वीडियो पूरा समीक्षा ऐप का कि किस तरह से कहाँ जाके लॉग इन करना है, फिर मेंटरिंग फॉर्म कैसे रिव्यू करना है, दूसरे सेक्शन जो ऐप के अंदर है उनको कैसे देखना है, वो सभी
शेयर किए जाएंगे आपके साथ। जैसे ही आपको समीक्षा ऐप का ओवरव्यू एंड लॉगिन पासवर्ड शेयर किए जाएंगे, उसके बाद जितने भी मेंटर्स हैं वो सारे कंफर्म करेंगे उस ग्रुप में कि उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो फंक्शनल है, ठीक है। और एक बात जो मेन जो यहाँ पे ध्यान रखने की है वो ये है कि जब भी आप विजिट पे जाएंगे तो समीक्षा ऐप में उस फॉर्म को आपने ड्यूरिंग द स्कूल विजिट ही फिल करना है। मतलब आप उसी टाइम जिस टाइम स्कूल में है उस टाइम ही आपको वो फिल करना है, क्योंकि वहां से वो आपकी लोकेशन की जियो टैगिंग होगी वहां से कि आप एक्चुअल में उस स्कूल में हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में फिर कई बार क्वेरीज आती है कि हम लोग वहाँ विजिट कर आए बट वो फॉर्म फिल नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऐसा सेटिंग है कि जैसे ही आप स्कूल का नाम डालोगे वहां पे, सिलेक्ट करोगे स्कूल, उस टाइम पे वो आपकी लोकेशन ट्रैक करेगा, ऐप जो है आपकी लोकेशन ट्रैक करेगी और वो अपने आप वहां से जियो टैगिंग हो जाएगी उसकी। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने वो जो रिव्यू फॉर्म है समीक्षा ऐप पे वो ड्यूरिंग द स्कूल विजिट ही फिल करना है। फिर विजिट करने के बाद जैसे ही आप 2-3 दिन के बाद आप अपने जो आपने रिव्यूज दिए थे वहां पे, जो फीडबैक आपने दिया था, जितना भी सब आपने कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए डेटा फिल किया था फॉर्म में समीक्षा ऐप में, उसको आप मेंटरिंग डैशबोर्ड आपसे शेयर किया जाएगा, उसका भी ओवरव्यू हम शेयर कर देंगे आपके साथ आने वाले 7-10 डेज में। फिर आप उस पर देख सकते हैं आप अपने अपनी जो आपने विजिट फिल की थी उसको आप वहाँ पे डैशबोर्ड पे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका किस तरह से आउटपुट वहाँ दिख रहा है। हम आपको डैशबोर्ड का भी दे देंगे ओवरव्यू, जिसमें कि हम किस तरह से डेटा को डिफरेंट मैट्रिसेस में हम किस तरह से उसको शो करेंगे वो सब स्टार्टिंग में ही आपको बता देंगे 10 डेज तक। ये इसका पूरा ओवरव्यू है नेक्स्ट स्टेप्स का जो हम आने वाले टाइम में करेंगे। फिजिकल मेंटरिंग जो है वो जनवरी 15 से स्टार्ट होंगी, मोस्ट प्रोबेबली तब तक जो विंटर ब्रेक है वो क्लोज हो ही जाएगा, स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे अगर ओमिक्रॉन अभी ठीक ही रहता है सब कुछ तो, ठीक है। तो अभी इस किसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अंकुर एंड कर दीजिए मीटिंग। हेलो जी। हाँ जी मैम। हाँ रुचिका मैम नमस्कार। सर मैम एक जो मेंटरिंग डैशबोर्ड की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, यदि कनिका मैम जुड़े हुए हैं तो। हाँ जी। एक जो मेंटरिंग डैशबोर्ड है हमारा, उसमें यदि हम डेली विजिट देखते हैं तो उसमें यदि क्लस्टर साथ में शो हो जाए तो ज्यादा इजी रह जाएगा। ये आप सेकेंडरी एलिमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? एलिमेंट्री सर, एलिमेंट्री की मैम, एलिमेंट्री की मैम। ठीक है, नोटेड। ये आप क्लस्टर ब्लॉक क्लस्टर और डिस्ट्रिक्ट बेसिकली क्लस्टर। हाँ क्लस्टर साथ आ जाएगा तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा एबीआरसी ने कितनी विजिट हो गई है उसकी, तो वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन डैशबोर्ड जो है वो पिछले 30 दिन का रहता है। तो हमें ये रहता है कि इसने पिछले 5 दिन में, पिछले 7 दिन में कितनी विजिट की है, तो यदि ऐसा हो जाए तो ज्यादा इजी हो जाएगा मैम। ठीक है सर, ये एलिमेंट्री के लिए ऐड करा देंगे, बात कर लेते हैं। बाकी सेकेंडरी का अलग से मेंटरिंग डैशबोर्ड बनेगा जो अभी इन प्रोसेस है, नेक्स्ट 7-10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आपका नोट कर लिया है एलिमेंट्री के लिए। उस क्लस्टर को जो ऐड कराने की बात आप कर रहे हैं उसको हम आगे पहुंचा देंगे। मैम आपने अभी ये बताया कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स की एक लिस्ट हम आपको शेयर कर देंगे। हाँ जी सर। अब एट प्रेजेंट मैम दो सिचुएशंस हमारे सामने हैं कि एक तो हम ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड अपना यूज कर रहे हैं, और एक वो साथी हैं हमारे, जैसे अभी एक साथी बात कर रहे थे कि उनका लॉगिन आईडी चल नहीं रहा है समीक्षा ऐप पे, तो क्या ये सबके लिए नया आएगा या जो जिनका चल रहा है उनके लिए सेम रहेगा? दिस इज द पॉइंट। सर सेकेंडरी मेंटरिंग के लिए नया आएगा और एलिमेंट्री के लिए जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही रहेगा। ऑल्सो सर आप ये बता सकते हैं क्या कि आप मुझे सेपरेटली
सक्षम हरियाणा सेल पे या फिर आप कनिका डाला का अगर आप ढूंढे, मैं अपना फोन भी आपसे शेयर कर दूंगी, आप अगर मुझे सेपरेटली अपना यूजर आईडी बता पाएंगे तो मैं बैकएंड पे चेक करके आपको बता दूंगी कि वो अभी एक्टिव है आईडी या नहीं है। मैं मेरा यूजर आईडी एक्टिव है। अच्छा, मेरा मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हमें इसके लिए सेकेंडरी एंट्री के लिए अलग से कोई यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा या हम उसी पे वर्क करेंगे, दिस इज माय क्वेश्चन। आप मुझे सेकेंडरी का अलग से देंगे ना? सेकेंडरी का यूजर आईडी पासवर्ड सेपरेट होगा। एक बार मैं फिर भी आपसे सेपरेटली समझ लूंगी कि करंटली जो आप यूजर आईडी पासवर्ड यूज करते हैं वो आप किन चीजों के लिए यूज करते हैं। सेकेंडरी मेंटरिंग का फॉर्म स्पेसिफिक यूजर आईडीज पे अवेलेबल रहेगा, जो भी सेकेंडरी मेंटरिंग करने के लिए जाएंगे तो उसका लिस्ट हम सेपरेटली शेयर कर देंगे। ठीक है मैम, तो जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो इसका मतलब जब मैं उसको नए यूजर आईडी से लॉगिन करूंगा तो मैं उससे ऑटोमेटिकली मैं वहां से डीएक्टिवेट हो जाऊंगा, दिस ये बात होगी ना? क्योंकि फिर तो दो यूजर आईडी हो जाएंगे हमारे पास। नहीं हाँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक बार आपका ना बैकएंड पे चेक भी कर लूंगी, अगर वो सेम यूजर आईडी मेरे करंट लिस्ट में आ रहा है तो फिर मैं उसी मतलब वो ही सेम आईडी आप रख सकते हो, वो आपको आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये मैं एक बार उसी में रोल असाइन कर देंगे ना, एडिशनल रोल असाइन करवा देंगे उसी में, जिसमें आप सेकेंडरी मेंटरिंग पे भी शिफ्ट कर पाओगे। एक बार आप मुझसे सेपरेटली इस चीज पे कनेक्ट कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको रिस्पॉन्स। ओके मैम, प्लीज शेयर योर नंबर प्लीज। मैडम डाइट के पास जो लॉगिन आईडी है वो सब सेकेंडरी के लिए ही है जो पहले से चल रही है। हाँ, जो सेकेंड डाइट करेक्ट डाइट के पास जो लॉगिन पासवर्ड है वो सेकेंडरी के लिए ही है, वो ही वर्किंग है। करेक्ट, हमारे पास एलिमेंट्री नहीं। करेक्ट, जो ये वाले डायट के यूजर आईडीज है, कुछ यूजर आईडीज तो डीएक्टिवेट हो गए थे, कुछ यूजर आईडीज के पासवर्ड रीसेट हो गए थे और कुछ यूजर आईडीज हमने नए बनवाए, तो एक कंसोलिडेटेड एनीवे हम आपके साथ शेयर कर देंगे। पर एक बार आप फिर भी मुझे अगर मतलब अगर आप बहुत एक्टिवली अपना यूजर आईडी यूज करते हैं तो मैं एक बार सेपरेटली भी चेक कर लूंगी कि वो एक्टिव हो, ऐसा ना हो कि वो डीएक्टिवेट हो जाए, इस तरह का कोई चैलेंज है। नहीं, हम यूज कर रहे हैं मैडम, वो बहुत सारे डाइट्स की ना वो एक्टिव हैं, कुछ हो गए जो डीएक्टिव होंगे। ठीक है, क्योंकि बैकएंड पे सर मेरे पास नियरली 800 यूजर आईडीज बने हुए हैं, सो इसीलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ। बाकी तो आप अगर मतलब कोई चैलेंज आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी, इससे पहले जिसने सवाल पूछा था, आप प्लीज मुझे एक बार अपना नाम और नंबर, नाम और अपना डाइट का नाम बता पाएंगे क्या? मैम प्रवीण कुमार फ्रॉम डाइट शाहपुर करनाल। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। और मैडम रेखा चालिया वो भी सेम डाइट से हैं मैम। ठीक है, गुड आफ्टरनून मैम। ओके मैम, मेरा एक सजेशन है, डाइट मात्र शाम से राजेंद्र शर्मा बात कर रहा हूँ, कि जैसे विजिट्स की यहाँ पे बात हुई है, क्यों ना हम सबको 10-10 या 12-12 स्कूलों की ओनरशिप दे दी जाए, उससे ओवरऑल इंपैक्ट हमारा डाइट का बढ़ेगा और रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में सर ऐसा ही प्लान है, क्योंकि अभी टाइम पीरियड बहुत कम है, 2 months ही है हमारे पास। और सर थॉट ये है कि जैसे जब आप यूजर आईडी पे आप लॉगिन करेंगे ना, तो स्कूल का आपके पास सारे का लिस्ट अवेलेबल होगा। हम टारगेटिंग के हिसाब से, क्योंकि हमारी भी हमने मतलब ये प्लान बनाने से पहले कई डाइट्स में बात करी थी, ये सेंस चेक लेने के लिए कि आपके करंट कमिटमेंट्स कितने हैं, आपके पास भी बहुत सारे एडिशनल कमिटमेंट्स रहते हैं, इस वजह से हमने मिनिमम 4 स्कूल का नंबर डिफाइन करा है। आप करने को एडिशनल स्कूल्स भी कवर कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मिनिमम 4 तो पक्का ही एक तरह से पर डायट फैकल्टी हम इमेजिन कर रहे हैं, कि थोड़ा सा अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट आए कि वो 4 स्कूल आप पक्का ही विजिट करिए, उन 4 स्कूल में आप मल्टीपल विजिट करिए। तो हमारा टारगेट थोड़ा कवरेज से कम है पर क्वालिटी मेंटरिंग से ज्यादा है। तो आइडिया ये था कि अगर आपको 4 स्कूल भी दे रहे हैं, जो सुनने में कम लगता है, पर अगर उस 4 स्कूल में आप 2 जाए, उन 4 स्कूल में आप 3 जाए, तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 4 का नंबर डिफाइन करा था। अगर आपके पास बैंडविड्थ है ज्यादा करने की, देन गो ऑल आउट, मतलब उसमें कोई रोक टोक नहीं।
और सर चार स्कूल्स में मतलब नंबर कम होने से मतलब ये है कि हम जब उनको अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ विजिट्स बढ़ाएं, एटलीस्ट वो जो चार हमारे, चार में से तीन, एक तो हम टॉप परफॉर्मिंग ही ले रहे हैं, तो जो तीन स्कूल हैं हमारे जो लो परफॉर्मिंग हम चूज करेंगे उसमें हम नंबर ऑफ विजिट अगर बढ़ाते हैं तो उनको बेसिकली हमें अडॉप्ट करना है, उनका रिजल्ट अगर हम इम्प्रूव करा पाते हैं तो वो अचीवमेंट तो मेन वही है, क्वालिटी मेंटरिंग जिसको हम कहेंगे, अगर उनका रिजल्ट इम्प्रूव होता है तो वो हमारे लिए क्वालिटी मेंटरिंग होगी, बजाय कि हम ये आपको टारगेट देते हैं कि 10 स्कूल्स हैं फिर उसमें आप एक ही विजिट कर पाओ पूरे इन 2 मंथ्स में, जो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है थोड़ा, तो वो फिर कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है बट वो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना ठीक नहीं रहेगा आई थिंक, इसीलिए हम लोगों ने 4 नंबर अभी डिसाइड किया है, फिर नेक्स्ट सेशन में जो होगा वो नंबर हम इंक्रीज कर देंगे, ये वाले 4 स्कूल तो रहेंगे ही कंटिन्यूस बट हम कुछ और स्कूल्स ऐड कर देंगे, या फिर आप भी अपनी लिस्ट प्रिपेयर करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि ये है और हमने किस बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया है, वो अगर आप अपने बेसिस के साथ उसको शेयर करते हैं देन हम उसको अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर लेंगे कि ये स्कूल हम विजिट कर रहे हैं, अभी भी अगर आप 4 की जगह 5 करना चाहते हैं या 6 करना चाहते हैं, आपके पास अगर अवेलेबल स्टाफ है वहां पे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। थैंक यू मैम। बट सर उसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा हमें एक बार मेल पे या फिर जैसे भी ऑफिशियल लेटर एक, बाकी हम जो मंथली मीटिंग करेंगे उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा स्कूल्स कवर कर पा रहे हैं तो उस तरह से हम टारगेट रिवाइज कर सकते हैं, पर थॉट ये है कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं मतलब हम लोग 200 लोग साथ मिलके इतना एफर्ट डाल रहे हैं कि हम सेकेंडरी मेंटरिंग शुरू कर रहे हैं, तो 3 महीने के बाद फीलिंग आना चाहिए कि हमने एक्चुअली कोई डिफरेंस लाए है उन स्कूल्स में, वो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आपको जानते हैं, वो स्कूल्स के टीचर्स आपको जानते हैं, उन स्कूल में आप जाते हो तो बच्चों को स्पेशली मतलब बच्चे भी आपको एक तरह से पहचानते हैं, तो वो वाला एक थोड़ा सेंटिमेंट लाना है कि मार्च में आपने वो स्कूल 2-3 बार विजिट कर ली है, वो स्कूल विजिट करने के बाद आपने प्रिंसिपल से बातचीत करी, आपने बोला है कि सर हम ना अगले एकेडमिक ईयर में कुछ अलग करेंगे ना, मतलब क्या चीजें करें हम बच्चों के लिए, क्या हम अपना रिजल्ट 3 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाना चाहते हैं आने वाले एकेडमिक ईयर में, तो कौन से 4 इनिशिएटिव हमें करने चाहिए, तो थॉट ये कि ये 3 महीने का एफर्ट जब 200 लोग साथ में डालेंगे तो उसका आउटपुट होना चाहिए कि कम से कम 200 × 4 800 स्कूल्स में हमारे पास डिफाइंड गोल होना चाहिए कि जी हम ये करने वाले आने वाले एकेडमिक ईयर में, ओवरऑल रिजल्ट कितने से इम्प्रूव होगा, वो वाला थोड़ा सोच के कि क्वालिटी आनी चाहिए, थोड़ी रिलेशनशिप बिल्ड होनी चाहिए उन स्कूल्स के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्लान बनाया गया था। और कोई क्वेरी या सजेशन सर फ्रॉम एनी अदर? मैडम मैं अनिल डाइट मात्र शाम से एक सजेशन देना चाह रहा था मैडम, प्लीज। जी डाइट अनिल सर बोल रहे हैं राइट? अनिल सर वैसे ऑन सेपरेट नोट मैं आपसे, आप जो अभी रिकॉर्ड करते हैं ना तो वो मैं आपसे सेपरेटली एक बार समझूंगी, आपको हम अपना फॉर्म भी दिखा देंगे, उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जुड़वाना चाहते हैं तो आपसे वो फीडबैक जरूर लेंगे, क्योंकि वो जी मैडम आप, आपका मोस्ट वेलकम है, आप मात्र शाम डाइट में आइए, कभी भी आइए या हमें बुलाइए तो हम सब पूरी राय देंगे, और मैडम मिनी आओ जाके दिमाग में बहुत सारी इनिशिएटिव है इससे संबंधित, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, जो प्राचार्य है हमारी डाइट की, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ बहुत सारे इनिशिएटिव है इससे संबंधित, और मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस करके, तो आप 2 मिनट समय दे दो प्लीज, 2 मिनट का समय। हाँ, जैसे मैं एक स्कूल में गया और मैंने वहाँ बच्चों से पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो साइंस में, तो उन्होंने बोला कि हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के बारे में, तो मैंने पूछा अच्छा बेटा ये बताओ जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है क्या है, तो बच्चों ने ना वो जो एक गाइड या पाठ का एक टिपिकल सा आंसर देने की कोशिश करी, तो मैंने उन्हीं से पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है, जो वर्ड आपने बीच में बोला उसका वर्ड उनको नहीं पता होता, तो मतलब हमें क्या है कि हमें उस जो टॉपिक है उसको इतनी आसान भाषा में उन बच्चों को समझाना है कि बच्चों समझ ना पाए, बल्कि जो उनका इवोल्यूशन जो सिस्टम है ना पेपर में लिखने वाला उसमें वो आसान भाषा में बढ़िया तरीके से लिख पाए, तो ये मैं बाकी सभी साथियों से चाहता हूँ जो अभी मॉनिटरिंग या मेंटरिंग के लिए जाए तो अपने स्कूल के अंदर इस बात को जरूर रखें कि कितनी आसान भाषा में हम उसको टॉपिक को करवा सकते हैं,
तो बहुत सारे जो गाइडों में या किताबों में मुश्किल सब तो उनको हाँ, आसान तरीके से समझा के डेली लाइफ से कनेक्ट कर जी 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 मैडम जी बिल्कुल आपकी बात सही है। लैंग्वेज से कनेक्ट करते हुए उसको अगर कराएं तो वो बच्चे को उस एग्जैक्ट वर्ड के लिए उतना सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या वर्ड उसके लिए यूज करना राइट। इतनी सी राय थी मेरी कि हर स्कूल में जाके हर विषय के बारे में, क्योंकि देखो डाइट स्टाफ है तो थोड़ी थोड़ी पेडागोजी हर विषय के बारे में जानता है कि किस विषय के बारे में कितना कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हर विषय के बारे में जानकारी उनको होती है। तो वो हर विषय अटैच कर सकता है, ऐसा नहीं कि जैसे मैं मैथ का हूँ तो सिर्फ मैथ की जानकारी प्राप्त करूँ, मैं साइंस ही पूछ सकता हूँ, मैं इंग्लिश ही पूछ सकता हूँ कि मुझे अपॉन कब यूज करना है, ऑन कब यूज करना है, या इन कब यूज करना है, इनटू कब यूज करना है, इसे छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये मैं वहां एग्जांपल तौर पे दिखा भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ बच्चों को। तो छोटी छोटी पेडागोजी है, तो ये सभी एक्सपर्ट बैठे हैं डाइट के। तो मेरी बस राय इतनी सी है कि जहां जाए आसान भाषा में लिखने की प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करेगी, जो इवोल्यूशन सिस्टम है कि उसमें कैसे आसान भाषा में लिख पाए ताकि बेहतरीन तरीके से अपना एक्सप्रेशन रख पाए वो। जी मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी, आई एम दिस इज नरेश फ्रॉम डाइट शाहपुर करनाल। हाय नरेश जी। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ माय ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द विजिट्स इन स्कूल्स टू और थ्री इयर्स बैक, जब हम ये दो तरह के स्कूल चूज करते थे, एक तो लो परफॉर्मिंग लेते थे और एक हम लेते थे बेस्ट परफॉर्मिंग, जिसकी हम बात करते हैं कि हम बेटर प्रैक्टिसेस हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन आई फाउंड द सिनेरियो टोटली डिफरेंट। हाउ इट वॉज दैट कि वो सेट के अंदर वो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी टीचर ने कर दी और वही जो स्कूल है वो टॉप पे आ गया। जब वहाँ पे हकीकत में जाके ग्राउंड जीरो पे जब जाके देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर देखा जाता है तो वो स्कूल बिल्कुल उन लो परफॉर्मिंग से भी कहीं ज्यादा नीचे होता है। और जो नेक्स्ट फेज जब सेट का आता है तो वही स्कूल, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है स्कूल वालों को कि अगली बार भी हमारा अगर इस लेवल पे स्कूल आ गया तो ये फिर आएंगे हमारे से यहाँ विजिट करने के लिए, तो वो अगली बार में उनका जो रिजल्ट है वो इन बिटवीन ले आते हैं, ना वो टॉप में रहते हैं ना वो बॉटम में रहते, वो इन बिटवीन अपना कर लेते हैं। दूसरी बात मैम ये है कि अगर ये जो सर अभी बात कर रहे थे कि वी गॉट ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन बैंक हमने तैयार कर रखा है, तो व्हाई डोंट यू पीपल शेयर ऑल दीज क्वेश्चन बैंक्स, ताकि उनके ऊपर थोड़ा और एड ऑन हो जाए और सबको सबको पता भी चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन बैंक है और हम उसमें अपनी तरफ से एडिशन करके वो हम भी उसको बांट दें। जब उन्होंने इस पे कर ही रखा है, व्हाई डोंट दे शेयर इट इन द ग्रुप। ये तो सर हमने लिखा हुआ है, ये स्टडी कोलेटरल सब शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। नहीं, ये जो 150 वाले क्वेश्चंस बोले थे ना सर, 150 वाले जो हैं ये आप लोग भी शेयर करिएगा। आप मातृश्याम हिसार से ही बोल रहे हैं ना सर? नरेश सर, नहीं नहीं मैम, आई एम फ्रॉम डाइट शाहपुर करनाल। क्योंकि दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस, दे हैव वर्कड ऑन इट एंड थैंकफुल दैट दीस पीपल हैव वर्कड ऑन इट। और मुझे लगता है कि व्हाई नॉट द अदर पीपल आल्सो बी ए पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, और जो हम लोग बनाएंगे तो जो दूसरी डाइट्स के भी टीचर्स बनाएंगे तो वो भी शेयर करें, ताकि एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहां पे जाए। अभी जो मेरी नॉलेज में है वो 150 क्वेश्चंस इनके पास है, मातृश्याम डाइट के पास, ठीक है। एंड डाइट झज्जर एंड पंचकुला ने भी लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन बैंक्स प्रिपेयर किए थे, तो तीन डाइट्स के पास तो स्टडी कलेक्टर्स हैं, एक तरह से क्वेश्चन बैंक्स हैं, ठीक है। तो वो हम आपस में शेयर कर सकते हैं, वो जैसे ही हम ग्रुप बनाते हैं उसमें हम आप लोगों से लेके उसमें शेयर कर देंगे। और उसके अलावा भी अगर हम कुछ और क्वेश्चन बैंक कलेक्ट कर पाते हैं, कहीं से अरेंज कर पाते हैं, तो हम लोग आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप अपने अपने जो बनाते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं उसी ग्रुप में या हमारे साथ पहले से अलग से। एक सर, ये इंटेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का था वो यही था कि इस तरह का हम एक सिनर्जी डेवलप कर पाए बिटवीन डिफरेंट टाइल्स, क्योंकि सब साइलोज में तो अलग अलग काम करते हैं, पर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ चीजें शेयर कर पाए। उसी को ध्यान में रखते हुए होपफुली आने वाले कुछ दिनों में हम इस तरह का मटीरियल कंसोलिडेट कर पाएंगे। आपका जो पहला पॉइंट था जो आपने मेंशन करा, अगर मैं एक दो लाइन उस पर भी आपको थोड़ा इंसाइट दे पाऊं, तो आज से कुछ महीने पहले हम ये एक्सरसाइज भी कर रहे थे कि हमारे जो टोटल स्कूल्स है 3375, उन स्कूल्स में हमें
ईयर लॉन्ग कैसे प्लानिंग करें कि सारे के सारे स्कूल्स कवर हो। अभी जैसे आप देखेंगे क्योंकि हमने चार स्कूल का ही टारगेट रखे हैं तो वो लिमिटेड टारगेट है, उसमें हमें क्वालिटी और रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं। बट आने वाले एकेडमिक ईयर में एक फोकस ये भी है कि एक पीरियड में पक्का सारे स्कूल्स कवर हो जाए। हमारे हिसाब से आई थिंक 4 to 5 months लगेंगे, करंट जो हमारे पास डायरेक्ट फैकल्टी है उनको 4 to 5 months लगेंगे सारे स्कूल्स को कवर करने में। 4 to 5 months का ये मतलब है अगर हम सिमिलर टाइप ऑफ टारगेट रखते हैं उसका कुछ मैथमेटिक्स ऐसे आता है कि साल में अराउंड एक स्कूल 3 to 4 times विजिट हो पाएगा। तो ओवरऑल उस तरह का हमारा नंबर है जिसको हम टारगेट करेंगे, पर ऐसा कुछ अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। कारण इन 3 months में कुछ अच्छा करने का ये है कि हम सब में प्रोत्साहन बना रहे कि आने वाले साल में हमें ये पूरा इनिशिएटिव फुल फ्लेज्ड रोल आउट करना है हर एक स्कूल में। एंड जो हम थोड़े स्कूल्स के साथ अभी अचीव करेंगे जनवरी से मार्च में, वो सारे स्कूल्स में हम एकजुट होके मतलब आने वाले साल में सारे स्कूल्स को टच करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि जो आपने ये सैट नंबर वाला एक इशू रेज करा वो तो शायद मेंटरिंग से ही सॉल्व होगा। अगर उन्हें पता होगा कि उनके स्कूल में कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई जरूर आएगा विजिट करने में तो शायद वो थोड़ा ज्यादा सीरियसली रिजल्ट अपलोड करें। बट सर वो अनिल सर का आइडिया भी मतलब अच्छा है, जो बोर्ड एग्जाम्स जो नेगेटिव है उसको वो लेके चल रहे हैं तो वहां पे तो वो लोग अपने आप को इन एंड आउट नहीं कर सकते लिस्ट से, उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो उस पे सोच सकते हैं। नहीं मैम वो बात ठीक है आपकी, आई एग्री विद दैट, बट द थिंग इज अगर आपने 4 schools विजिट करने हैं और आप हमें एक आपके लेवल से ये एक इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट दिस इज ए काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यू पास्ड ऑन टू अस कि भी 3 schools हमने वो लेने हैं एक वो लेने हैं तो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। द पॉइंट इज दिस, आइदर इट शुड बी अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। So, sir, it is a fairly flexible approach. मतलब जो हम आपको लिस्ट भी दे रहे हैं वो हमने 4 schools मिनिमम कुछ मतलब कुछ क्राइटेरिया रख के हमने उनको सेलेक्ट कराए, उसमें आपको स्कूल जोड़ने हैं तो यू आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल टू एड मोर स्कूल्स टू दैट लिस्ट। उसमें अगर आपको कोई चेंज करके भेजना है तो आप हमें इंफॉर्मेशन भेज दीजिए, ठीक है? बट विद द रीजन चेंज ना, मतलब सिर्फ इसलिए चेंज नहीं करना है कि वो स्कूल पास है, मतलब कोई तो एक बेसिस क्राइटेरिया रहेगा कि अगर आप कोई स्कूल लिस्ट में से चेंज करना चाह रहे हैं। मैम ये आप एक व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे थे कि इस ग्रुप में, क्योंकि आई एम नॉट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, व्हिच इज दैट ग्रुप यू हैव अभी क्रिएट करना है वो ग्रुप। ओके, नेक्स्ट वीक में हम लोग उसका लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है, सभी डाइट प्रिंसिपल्स के साथ जितने भी फैकल्टी मेंबर्स और भी हैं, जहां आज जैसे लिंक शेयर हुआ था ना मीटिंग्स के लिए जिसके थ्रू आप लोग जुड़े हैं, उन्हीं ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। जो सेकेंडरी मेंटरिंग का जो है, सेकेंडरी मेंटरिंग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, इस तरह का एक मैसेज हम शॉट कर देंगे ग्रुप्स में। हेलो, वहां पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी सर। हेलो, हाँ नमस्कार मैडम। हाँ जी सर। मैडम ये जो NAS का एग्जाम है आपने गागिस के बेस पे, ये क्या 10th 12th लेवल पे होते हैं? नहीं नहीं सर, सर जब NAS वाला हम एनालिसिस कर उस रिजल्ट क्या अप्रोच कैसे विजिट आप डिसाइड कर पाएंगे? नहीं नहीं सर, जो जो NAS वाला हमने देखा था वो 10th का रिजल्ट देखा था। सॉरी सर आपका ना आवाज कट रहा है तो समझ नहीं आया, आप एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए। NAS का 10th का पेपर देखा था आपने? जो NAS का एक्चुअल टेस्ट हुआ है उसका तो रिजल्ट अभी तक आया नहीं। हरियाणा में हमने NAS प्रैक्टिस टेस्ट करवाए थे वो 10th क्लास, उसमें से हमने 10th क्लास का रिजल्ट देखा था क्योंकि सेकेंडरी मेंटरिंग जब हम सोच रहे थे तो एनुअल रिजल्ट था पिछले साल का तो 100% ही है बोर्ड का, तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट तो पिछले साल का मिलेगा नहीं? नहीं नहीं NAS में सर किसकी बात कर रहे हैं सर? नेगेटिव बोर्ड रिजल्ट मैडम, बोर्ड रिजल्ट नहीं देखे सर हम अभी। बोर्ड रिजल्ट हमने पिछले साल का तो प्लस में ही मिलेगा सभी स्कूलों का।
हाँ जी उससे पहले जाना पड़ेगा वो, यहाँ तो देखो अगर हम कहें कि पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो नहीं मिलेगा, सबका पॉजिटिव मिलेगा। हाँ जी सर, वो अनिल सर बता सकते हैं कि उन्होंने कौन से ईयर का, जो अभी सर कह रहे थे ना कि वो नेगेटिव रिजल्ट वाले स्कूल्स जो हैं बोर्ड रिजल्ट के, उनको उनके उन स्कूल्स में विजिट कर रहे हैं प्लान, तो क्योंकि लास्ट ईयर गाइड करेंगे वो, तो आप लिस्ट बनानी है जो, तो मेरे ख्याल में एनएस का भी 10th क्लास के लिए नहीं होता रिजल्ट शो कर रहे हैं उठाए जा सकते हैं, वहां से उठाए जा सकते हैं वो रिजल्ट। हाँ ये अच्छा आइडिया आपका, हम देख सकते हैं। ठीक है सर, वाइंड अप करें। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं रेज कर सकता हूँ? आप अपना नाम बताइए पहले, इंट्रोड्यूस कीजिए। सर आप कौन बोल रहे हैं बताइए पहले एक बार, टाइट एंड हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही क्या मैम? अब आ रही है सर। हाँ जी सर आ रही है। जी मैं दलबीर सिंह बात कर रहा हूँ मैम, डाइट कैथल से। कौन? दलबीर सिंह बात कर रहा हूँ मैम, डाइट कैथल से। दलबीर जी, दलबीर सिंह। नमस्कार मैम, पिछली बार भी हमने पीछे भी 10th और 12th के बोर्ड रिजल्ट के लिए अपने कैंपेन चलाया था, पीछे भी विजिट्स की थी, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे थे। लास्ट से लास्ट ईयर किया था हमने, क्योंकि पीछे कोरोना था उससे पहले किया था। तो मेरा कंसर्न ये था कि जैसे अब डाइट फैकल्टी हमारे पास 15 में से 3 मेंबर्स रह गए हैं, और जैसे ही यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए आएगा तो जो फैकल्टी स्कूल्स में डिप्यूट की गई है तो वो कई बार विजिट नहीं करते, और डिस्ट्रिक्ट का जो स्कोर बोर्ड होता है उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे स्कूल्स पे, और जहाँ पे स्कूल हेड्स हैं वो कई बार भेजते नहीं और विजिट्स कम हो जाती हैं उससे। तो मेरी रिक्वेस्ट है या तो उनको आईडीज को ब्लॉक कर दें जो डिप्यूट है, या उनको एक लेटर जारी करें जिससे कि वो कंपलसरी उनको विजिट, जो आप 4 विजिट्स असाइन करेंगे वो भी करें। ये कंसर्न था क्योंकि पीछे भी स्कोर्स में हम लोग पीछे रह जाते थे, क्योंकि फैकल्टी मेंबर्स कम हैं, डाइट कैथल में 3 फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो ये मेरा कंसर्न था। या तो आप आईडीज को उनको ब्लॉक कर दें, या फिर कोई एक कॉमन लेटर जारी करें कि ये भी विजिट करेंगे जरूर कंपलसरी, जो स्कूल में डिप्यूटेड हैं। जी जी मैम। सर उसके लिए तो बजाज सर ने अभी मैसेज दे ही दिया है कि वो इन प्रोसेस है, आपको रिटर्न में उनको वापस लाने का नहीं, तो एटलीस्ट उनको वहीं से विजिट करने का जो है वो असाइन कर देंगे रोल। सेवरल टाइम्स लेटर इशू किए जा चुके हैं, डाइट की तरफ से भी लेटर जारी किए गए हैं, और उसमें ये लेटर में मेंशन आता है कि वर्कलोड अगर है तो वापिस, वर्कलोड नहीं है तो वापिस बुला लिया जाए, लेकिन जो हेड्स है वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वर्कलोड है और वो वहाँ पे उनको रिलीव नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक कॉमन और एक डायरेक्शन जारी होता कि उनको वापस भेजिए, तो इस तरह का कोई लेटर जारी होता तो वो वापस आते। तो दलबीर जी, दलबीर सर ये डायरेक्टर लेवल का काम है, ये सारे उनसे बात करेंगे, वहां से कोई सोल्यूशन निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलना ये सोल्यूशन। सर डायरेक्टरेट से ही लेटर जारी हुआ है कि वो वापस भेजने के लिए एक लेटर जारी हुआ, तो उस पर कोई अमल ही नहीं हो रहा सर। जैसे बजाज सर से मिला जाए या अनिल को कह के, अनिल वहां जाके डायरेक्टर सर के सामने ये प्रोपोजल भेजे भाई, क्योंकि हम कम हो गए हैं स्कूलों में। और जो मैडम आप कह रहे थे ना कि बजाज सर कह रहे हैं वहां से स्कूलों से भेज देंगे, वहां पॉसिबल ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां उनकी क्लास सफर होती है, जो क्लास उनको दे रखी है, फिर वहां जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं वो ये कहते हैं भाई अगर आप वहां विजिट करोगे तो फिर यहाँ क्लास सफर करेगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं ये चीजें फील्ड में जब जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही कंसर्न मेरा भी यही कंसर्न है जैसे सर ने बताया कि वो। हाँ जी सर, मैं भेजेंगे। जी मैम वही कह रही हूँ सर, हम एक बार ये वाला इश्यू फिर से बजाज सर से डिस्कस कर लेते हैं कि वो फिर बाकी डाइट फैकल्टी के लिए क्या एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, या फिर अभी जो हमारे पास जितना स्टाफ है उतने ही नंबर ऑफ स्कूल विजिट करेंगे हम, क्या प्लान रहता है वो सर। ये अगर आपसे मेरी बात हुई होगी, मैंने कुछ टाइम पहले एक एक्सरसाइज करी थी जिसमें मैंने
सारे डायट प्रिंसिपल से डेटा कलेक्ट किया था कि आपके पास करेंटली कितने टीचर्स हैं और कितने टीचर्स स्कूल में पोस्टेड है और नेट बेसिकली अभी करेंटली डाइट में कितने लोग हैं. तो ये काफी लंबी एक्सरसाइज चली थी अराउंड चार, अगर आई एम श्योर आप हमने इस पे कनेक्ट किया होगा. उसका कारण भी ये था कि हम ये जान पाए कि कितनी फैकल्टी करेंटली डाइट्स में है. उस रिजल्ट के हिसाब से जो समझ भी आया था वो ये था कि आज से 2 महीना पहले सिचुएशन और खराब थी. अब तो काफी सारे डाइट हैव एक्चुअली रिटर्न, काफी फैकल्टी वापस आ गई है डाइट्स में. बट विद दैट बीइंग सेड, मतलब बाकी चीज बजाज जी के लेवल पे दैट कैन बी मैनेज कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं. करेंटली जो लोग डाइट्स में पोस्टेड है उनको तो डेफिनेटली सेकेंडरी मेंटरिंग स्टार्ट करनी चाहिए. स्कूल वालों का डिसीजन वी कैन टेक एट अ लेटर स्टेज. जी मैम, आपकी बात हुई थी प्रिंसिपल मैम से और हमें पता भी है, हम तो करेंगे मेंटरिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा जब स्कोर जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का तो उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है जो लोग करते ही नहीं विजिट, तो हमारा स्कोर बिल्कुल 30-20% वहाँ पे फॉल करेगा. तो आप इमेजिन कीजिए. नहीं नहीं सर, करेंटली जो डिस्ट्रिक्ट स्कोर कार्ड के अंदर विजिट का टारगेट लेते हैं वो एलिमेंट्री मेंटर्स के लिए टारगेट लिया जाता है 10 विजिट्स पर मंथ का. उसके अंदर जब हम सेकेंडरी मेंटरिंग का टारगेट डालेंगे तो वो हम डालेंगे 4 विजिट पर डाइट मेंटर. अब जैसे अगर आपके डाइट में 4 ही डाइट फैकल्टी है तो वो 4 × 4 माने आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए 16 हो जाएगा वो टारगेट. वर्सेस अगर जैसे पंचकुला के अंदर 20 लोग हैं तो 20 × 4 उनका 80 का टारगेट बैठेगा. तो यहाँ पे क्योंकि ये सिचुएशन बहुत यूनिक है, हम लोग एलिमेंट्री मेंटर्स की तरह सबको नहीं बोलेंगे कि 10 विजिट आपको सबको करनी है. मतलब वो एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टोटल नंबर आप कितना विजिट कर रहे हो वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन आपकी डाइट में कितनी फैकल्टी करेंटली अवेलेबल है. मैं सारी बातें समझ रहा हूँ मैम, क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी की सबकी आईडीज एक्टिव है वहाँ पे, जब आप उसमें डालेंगे तो टोटल कैलकुलेशन मेरी एक्टिव फैकल्टी की कैलकुलेशन करेगा कि 4 × 10 अगर मेंबर मेरे टोटल है तो 40 हाँ. मेरी विजिट्स होगी टोटल फैकल्टी की, लेकिन मेरे फैकल्टी मेंबर 3 है एक्चुअल में यहाँ, क्योंकि आपने एक्टिव तो वो सक्षम समीक्षा पे सबकी एक्टिव आईडीज है तो आपकी कैलकुलेशन तो 40 होगी, तो वो 4 × 3 = 12 कैसे होगी मैम? उसके लिए हाँ जी उसके लिए ना हमने जैसा रुचिका जी ने प्रेजेंटेशन में बताया था, लॉगिन आईडी देने के साथ हम आपको एक एक्सेल शीट देंगे. उस एक्सेल शीट में यूजर आईडी के साथ में आप नाम लिखिएगा, आप उनका फोन नंबर डालिएगा और वहां पे आपको क्लियरली बताना होगा कि करेंटली ये यूजर आईडी फिल्ड है, माने इस सीट पर कोई मतलब इस पर्टिकुलर यूजर आईडी को कोई यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेकेंट है. ऐसा भी होता है बहुत बार कि आप डेप्यूटेशन पे चले जाते हैं फैकल्टी मेंबर्स, तो एक कैटेगरी उसमें है कि वो डेप्यूटेड एल्सवेयर है, एक कैटेगरी उसमें है कि मेटर्निटी लीव पे चले गए थे फॉर एग्जाम्पल कोई, एक कैटेगरी है कि वो लॉन्ग लीव पे गए हुए हैं. तो उस तरह से भी हम ट्रैक करेंगे वो एक्सेल शीट में, ये सारी जानकारी के साथ आपको भेजूंगी. जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, प्लीज शेयर करना एक्सेल शीट जो है. सो मैम रुचिका जी, नाउ द फाइनल थिंग इज कि आप हमें एक लिस्ट शेयर करेंगे लो परफॉर्मिंग स्कूल्स की और प्लस नॉट ओनली लो परफॉर्मिंग सर, नॉट ओनली लो परफॉर्मिंग, या प्लस मतलब कुछ स्कूल लो परफॉर्मिंग होंगे यस और कुछ टॉप परफॉर्मिंग होंगे, परफॉर्मिंग और हमने उसमें से सेलेक्ट करना है, यही पॉइंट ना हमने उसमें से 3 schools लो परफॉर्मिंग वाली शीट सेलेक्ट करने हैं, 1 school जो है वो टॉप परफॉर्मिंग वाले बेस्ट परफॉर्मिंग वाले में सेलेक्ट करना है. या आई अंडरस्टैंड दैट, बस हमने अब उस आपकी तरफ से जो शेयर होगी शीट उसकी वेट करनी है, दिस इज द पॉइंट राइट. हां जी सर यस मैडम, एक रिक्वेस्ट और थी, मैं फिर दोबारा से अनिल कुमार बैठ मात्र शाम से. हां जी सर, हां जी हां, कि जैसे आपने कहा कि किसी डाइट में 4 फैकल्टी वर्किंग की बात कर रहे हो या जो अभी हैं उनकी बात कर रहे हो, क्योंकि सर जो अभी एट प्रेजेंट जो डाइट में हैं हम सिर्फ उन्हीं फैकल्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे एंड पे नुकसान और सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होना, क्योंकि 4 फैकल्टी के अलावा डाइट में एससीआरटी तो बहुत सारा काम देती है, एससीआरटी में बहुत सारी विंग है, सारा काम डाइट फैकल्टी का आता है, सब 4 या 5 फैकल्टी वर्किंग है. सुनिए मैं आपको बताती हूँ, ये फाइट मैं जीत चुकी हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको बताती हूँ इस पे.
जब मैंने ये इस पे काम करना शुरू करा था उसके अंदर मैंने सारे, एक तो ये पता लगाया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डायट के अंदर कितनी फैकल्टी है, कितनी पोस्टेड है पीजीटी टीचर्स, पहली जानकारी मैंने ये ली। दूसरी जानकारी मैंने ये प्लान बनाया था कि आने वाले 3 महीने में हमारे पास कुल कितने दिन है, उन दिनों में से कितने दिन ऐसे है जो छुट्टियों में जाएंगे, कितने दिन ऐसे है जहां एग्जाम्स हो रहे हैं। मैं डाइट डाइट पलवल विजिट भी करा था, वहां पे मैंने सबसे समझा था कि कितनी ट्रेनिंग्स करेंटली उनको देनी होती है। निष्ठा में वो इन्वॉल्व थे, बाकी मतलब उनको ब्लॉक लेवल पे निष्ठा ट्रेनिंग्स करनी थी। मुझे ये भी बताया गया था कि मार्च में आपके पास एडिशनल ट्रेनिंग्स आती है, तो उसकी जानकारी भी थी मेरे पास। वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर मैंने हर महीने में 10 दिन कम से कम दिए कि जहां पे आपको अदर ट्रेनिंग्स में आप इन्वॉल्व रहोगे। अगर मैं टोटल दिन में से आपकी छुट्टी के दिन, आपकी ट्रेनिंग्स के दिन, स्कूल में जब एग्जाम चल रहे हैं वो दिन सब माइनस कर दूं, तो भी मेंटर्स माने डायट्स के पास 20 दिन वर्किंग बचते हैं। उन 20 दिन में से भी हम आपको बोल रहे हैं टोटल 8 दिन बनते हैं। तो ये जो सारा मतलब मैं आपकी पूरी बात बहुत ही अच्छे से समझती हूँ और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस चीज पे। इसी वजह से अक्टूबर एंड से मैं इस चीज पे मतलब हम कांस्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने काफी सेशन सुमन जी, रुचिका जी, बजाज जी, हमने काफी दिमाग लगा के वो 4 का नंबर फिक्स करा था, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास एडिशनल बहुत कमिटमेंट्स है, इसलिए हम कोई 10 के नंबर के साथ नहीं आए कि आप 10 विजिट करिए पर मंथ, उस तरह का टारगेट ना देते हो। सिर्फ 4 स्कूल का विजिट टारगेट इसी वजह से रखा है। जी मैडम बहुत बढ़िया, आप मुझे ऐसा लगता है मैथ से प्यार करने वाले हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हो सारे मैथ से प्यार करने वाले हैं, और आपने जो कैलकुलेशन करके बताया मुझे वो रियली में बड़ा इम्प्रेसिव है। लेकिन मैं आपसे शेयर भी करूंगी ये वाली कैलकुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यादा इफेक्टिव बनाना इस प्रोग्राम को, तो जो डाइट फैकल्टी, देखो आप स्कूलों में जो डाइट फैकल्टी है ना, उनका माइंड सेट पिछले 10 साल से 15 साल से डाइट में काम कर रहे हैं, उनका माइंड सेट यहाँ की कार्यशैली के लिए स्थापित हो चुका है, उनके वही प्रोग्राम फिट है। लेकिन अगर आप उनको किसी दूसरे प्रोग्राम में डालेंगे ना, तो ना तो वहाँ आउटपुट आएगा ना यहाँ आउटपुट आएगा। वो बात है, पर आज की डेट में जितने हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना सेंटर पे, माने स्टेट लेवल पे जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उन प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस सारी मेंटरिंग से ही निकलती है। करेंटली आप 4 चीजें कर लो, आप निष्ठा पे ट्रेनिंग करवा लो टीचर से, पर आप अगर स्कूल में जाके ये पूछ नहीं रहे हो टीचर से कि एक्चुअली निष्ठा वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं रहता है। तो मुझे पता है कि आप ये जो चीज बोल रहे हो ये मतलब मैं फुल्ली कॉग्निजेंट हूँ, बट अगर हमें अपने सारे स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स पे रिगर लाना है कि वो रिगरसली इम्प्लीमेंट हो अलग अलग स्कूल्स में, मेंटरिंग के अलावा, मेंटरिंग इज द बेस्ट एसेट दैट वी हैव एज अ स्टेट, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम जरूर मतलब बहुत ही हाई प्रायोरिटी इनिशिएटिव बन जाता है। मैडम जी बस कि आप अपने जो हायर अथॉरिटी जिनके साथ बात करते हैं उनके सामने ये रखिए, भैया अगर यहाँ अगर डाइट फैकल्टी पूरी आएगी तो हम ज्यादा इफेक्टिव वे से इसको काम को कर पाएंगे, ज्यादा ज्यादा स्कूल कवर कर पाएंगे जो लो प्रेफरेंस स्कूल हैं। और दूसरी एक बात और मैडम मैं कहना चाह रहा था आपसे कि जैसे अब काम की बात करते हैं, जैसे मैं काम के पूरा डेडिकेटेड हूँ, मैं भी निष्ठा की वर्कशॉप करके आ रहा हूँ, बरवाड़ा ब्लॉक में था और 45 किलोमीटर रास्ता है, रास्ते में हूँ, गाड़ी में हूँ, मेरे साथी ड्राइव कर रहे हैं, मैं इस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले ही मैंने एक मीटिंग अटेंड करी है 2:30 से 3:30 के बीच में, 2:30 से 3 के बीच में फिर इस मीटिंग से जुड़ा हूँ। मतलब आप ये देखिए कि हम मीटिंग करते जा रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, एक दूसरे पर काम होना चाहिए, लेकिन 4 डाइट फैकल्टी के पास इतना काम आ जाता है, हर विंग का काम आ जाता है, कि वो क्या करे और क्या ना करे। आपने कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी अच्छी कर रखी है, नो डाउट कि भाई इतना काम करिए, इतना काम करने बाद इतना काम बचाता है। लेकिन अभी एक क्रिएटर वो सेट के ऊपर क्वेश्चन क्रिएटर, उसकी मीटिंग थी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, जब से 3 बजे पहले, 2:30 से 3:30 के बीच में वो मीटिंग में अटेंड करी है, क्योंकि मैं मैथ्स का लेक्चरर हूँ तो मुझे वो काम भी करना है और मेरे साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं। तो मैडम जी ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हर दूसरा एक बात और
मैं एआरएबी हूं, एक्शन रिसर्च एसोसिएट, मुझे उस रिसर्च के लिए सर्वे भी करना है जो एससीईआरटी देती है। मतलब बहुत सारे काम ऐसे ऐसे बहुत सारी डायरेक्ट फैकल्टी के ऊपर आ जाते हैं जो बर्डन बनते हैं। तो मेरे की एक ही रिक्वेस्ट है, एक ह्यूमन रिसोर्स का बेहतरीन किस तरीके से यूज किया जाए, एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए भाई, सेंट्रलाइज काम हो, एससीईआरटी से हर विंग के बजाय सेंट्रलाइज काम हो कि हर एक एक पाइपलाइन से सारे ऑर्डर निकले, ताकि ये पता लगे कि ह्यूमन रिसोर्स का बेहतरीन यूज कैसे करना है। बहुत सारी चीजें आप इन बातों को सोचिए जरा प्लीज। हाँ जी, मैं डाइडिंग से परमानंद जवानिल जी। मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं डाइडिंग से परमानंद बोल रहा हूँ मैडम। जब अनिल जी, अनिल जी इतना सारा दुख गिनवा रहे हैं तो मैं भी गिनवा दूँ। दुख मत गिनवाइए, हम दुख पता है। नहीं, हमारा नहीं पता असल में, दुख नहीं है, वो चर्चा नहीं हुई क्योंकि हम हमारा कर्तव्य है, और ये काम हम नहीं करेंगे तो डाचा करेगा क्या कोई आके? जी जी, जो करना है काम मैडम, कैन वी लीव? अगर हमारा कोई सवाल नहीं है तो कैन वी लीव ना? अनिल जी प्लीज मुझे बात कह लेने दो। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड। अब अगर बाकी किसी का अगर आपको जी मैडम, मैडम मुझे मेरा क्वेश्चन पूरा कर लेने दें। तीन लोग बीच में इंटरवीन कर रहे हैं तो मैं कैसे बोलूंगा? मेरा एक सेकंड रुकिए। बाकी सबसे ये कहना था कि मीटिंग ऑफिशियली क्लोज हो चुकी है, तो अगर आपको ड्रॉप ऑफ करना है तो आप कर सकते हैं। जी जी, एक मिनट मैडम, मैंने क्वेश्चन कर लेने दें, उसके बाद आप करें मीटिंग। जी, मेरा कंसर्न ये है कि डाइटिंग में डीएलएड क्लासेस भी चल रही हैं और हम केवल 6 फैकल्टी मेंबर हैं और हमारे पास 2 क्लासेस हैं डीएलएड की। ये मसला दूसरी डाइट्स में नहीं है, हमारे पास बाइट सिरसा की क्लासेस जो थी वो डाइटिंग में है। तो हमारे पास बाकी सारे एससीईआरटी के काम के अलावा क्लासेस भी हैं, और जैसा अनिल जी कह रहे थे, जब एकदम बहुत सारे काम टूट पड़ते हैं, एससीईआरटी में आ जाओ, चंडीगढ़ आ जाओ, पंचकूला आ जाओ, तो ऐसा भी होता है कि हमें उन स्टूडेंट्स को छुट्टी देनी पड़ती है। अभी पीछे हमारे 4 फैकल्टी मेंबर एससीईआरटी में थे, 1 पंचकूला में थे, और हमारे पास उनको छुट्टी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और ये बहुत बार हमारे साथ होता है कि नीचे ट्रेनिंग्स में होते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है। तो मेरा अनुरोध आपसे ये है कि डाइट डिंग को, सिरसा को, जब आप कुछ ऐसा तय करें तो इसको बाहर करके करें, जो हमारा हमसे संभव होगा कर लेंगे, लेकिन बाध्यता ना की जाए। थैंक यू मैडम। सर सर सर, एक सेकंड, आप मेरी भी फिर बात सुनिए। जी जी, थोड़ा आप डाइट सिरसा से बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, डाइट डिंग सिरसा। हाँ, मैंने ना आप मेरी आपसे बात हुई थी क्या, जो हमने एक एक्सेल शीट में सारे डाइट्स के हम टोटल फैकल्टी नंबर लिख रहे थे, तब हमने बात करी थी क्या? जी, वी आर ओनली 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स। मैंने ना सर एक गूगल शीट का लिंक मैं डाइट प्रिंसिपल्स के ग्रुप पे दोबारा शेयर कर रही हूँ अभी अभी। एक बार आप प्लीज उस लिंक को देख के क्या आप अपना डाइट का फैकल्टी स्टेटस वहां पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा डेटा सेट है जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि करेंटली डाइट में फैकल्टी का क्या स्टेटस है। करेंटली मेरे पास है नहीं सिरसा का स्टेटस, तो प्लीज आप उसको अपडेट भी कर दीजिएगा। जी कर देंगे, केवल 6 मेंबर हैं। जी जी, मैंने ना ग्रुप पे भेज दिया है, आप व्हाट्सएप पे डाइट प्रिंसिपल्स के ग्रुप पे एडेड है क्या? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैडम। आप करेंटली डाइट प्रिंसिपल्स के ग्रुप पे एडेड है क्या, जो व्हाट्सएप पे? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा क्वेश्चन ये है, करेंटली आप डाइट प्रिंसिपल्स के ग्रुप पर एडेड है क्या व्हाट्सएप पर? वो प्रिंसिपल सर हैं पवन सुथार जी, और उनके आज ऑर्डर हुए हैं डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी के। अच्छा, वो एडेड हैं। अच्छा, पवन सुथार हैं प्रिंसिपल डाइटिंग,
वो प्रिंसिपल्स के ग्रुप में ऐड हैं और आज उनके ऑर्डर हुए हैं डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी पवन कुमार जी, पवन, हाँ पवन कुमार सुतार, ठीक है, आज उनके आज उनका डिप्टी डायरेक्टर के ऑर्डर हुए हैं एससीईआरटी में, समझ गई, ठीक है सर, मैंने तो हम कुल गुणा 6 लोग हैं और हमारे पास 2 क्लासेस हैं डीएलएड की, अच्छा ठीक है समझ गई। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब कोई क्योंकि हमारे साथ सारा काम हमें बराबरी दिया जाता है बाकी डाइट्स के, इसकी परवाह नहीं की जाती कि हमारे पास 2 क्लासेस भी हैं, लेकिन बावजूद इसके हम करते हैं सारे काम, लेकिन अगर ये भी एडिशनल हो जाएगा तो बच्चे सफर करेंगे जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं। समझ गई सर। तो मैंने ना जो हमारा अभी ये जो जूम का चैट बॉक्स है उसके अंदर एक लिंक भेजा है गूगल शीट का, अगर आप वो गूगल शीट खोले उसके अंदर आप अपने किसी फैकल्टी को बोलकर सिरसा में आपके जो सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी डिटेल्स है अगर आप वो भरवा दे तो उससे मुझे बहुत सहायता मिलेगी ये जानने में कि आपके डाइट में पर सब्जेक्ट जो आपके 6 आपने बताई है टोटल फैकल्टी, वो पर सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट की फैकल्टी है, उस तरह का जानकारी है उसमें, बाकी सब लोगों ने भर दिया है, सिरसा बचा था, तो आप एक बार सिरसा ढूंढ के वहां पे सिरसा की डिटेल्स ऐड कर दीजिए, ठीक है जी मैडम, ओके थैंक यू सो मच सर, ठीक है मैडम। अगर किसी के पास और कोई सवाल है तो प्लीज आप बता सकते हैं वरना हम मीटिंग क्लोज कर। मैडम एक विषय और, मैं अनिल कुमार फिर दोबारा से, जी जी, जैसे हमने आपको बताया था कि जो लो परफॉर्मिंग स्कूल सिलेक्ट किए हुए हैं वो हमने पिछले 3 साल के बेस के ऊपर, जो पिछले मतलब कोरोना काल से पहले का जो रिजल्ट था उसे 3 साल के रिजल्ट के आधार जो कंटिन्यूसली लो परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं उनको सिलेक्ट किया हुआ है और ये लगभग 100 के आसपास है, कंटिन्यूसली लो परफॉर्मिंग है उन पे रिजल्ट करनी है। अनिल जी जो आपका ये स्कूल सिलेक्शन है इस पे क्या हम एक बार सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपसे एट लेंथ डिस्कशन करूंगी, शायद आज नहीं बट अगले 1-2 दिन में मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। जी मैडम जी, ठीक है डन, जी मैडम ठीक, थैंक यू अनिल जी। मैम एक बात पूछनी थी जी जी कि सक्षम में अब सारी डाइट फैकल्टी अब जाएगी स्कूल्स में या हमने जिनको सर ने प्रिंसिपल सर ने हमारी ड्यूटी दी हुई है सिर्फ हो जाएंगे? जो भी डाइट फैकल्टी करेंटली स्कूल में है सॉरी करेंटली डाइट में है वो सब सीनियर लेक्चरर्स लेक्चरर्स दोनों सबको विजिट करें, क्योंकि पहले हमारे सिर्फ 6 मेंबर्स जा रहे थे, ब्लॉक वाइज मिली हुई थी उनको ड्यूटी, इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा ओके थैंक यू, थैंक यू सीमा जी, सॉरी रेणु जी, ठीक है और कोई सवाल किसी का? ग्रेट, इसको ध्यान में रखते हुए आई विल नाउ क्लोज द मीटिंग, इट वाज वेरी नाइस कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू, आई रियली होप कि आने वाले महीनों में जनवरी से मार्च में हम सेकेंडरी मेंटरिंग को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बना पाए, थैंक यू सो मच, आई विल कनेक्ट विद यू सेपरेटली, थैंक यू मैम, थैंक यू।